दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से आपको हमारी एक न्यूड में। दोस्तों यदि आप भी पीएफ धारक है, दोस्तों यदि आपको भी पीएफ अकाउंट से पैसा कटता है, दोस्तों यदि आपका अपना यूएन नंबर जो होता है ना, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो होता है, यदि दोस्तों आपको भी नहीं मालूम है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला किस प्रकार से अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कैसे उसको फाइंड कर सकते हो, आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है क्या है, कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करके यदि आप फिल करते हो दोस्तों आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है वो दोस्तों मालूम पड़ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने ये प्रोसेस कैसे आप कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। तो आपको भी जाना अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को कैसे पता करें, हमारी वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो है बिना देर के शुरू कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम बाटा, आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक्निकल पाठक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर अपने क्रोम में चले जाना है एंड यहाँ पर मैं अपने क्रोम में विजिट होता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद तो आपको सर्च करना है यहाँ पर EPFO यानी कि जो EPFO की ऑफिशियल साइट है, इसको यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है। तो यहाँ पर इस पर विजिट होने के बाद आपको यहाँ पर इसकी साइट यहाँ पर आपको दिख जाएगी, EPFO की पूरी साइट दिख जाएगी। यहाँ से दोस्तों अपना जो यूएन नंबर को यहाँ से आप फॉरवर्ड कर सकते हो, उसको आप मालूम कर सकते हो कि आपका जो यूएन नंबर है क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। KYC अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो, KYC अपडेट मेंबर्स पर क्लिक कर देना था। KYC अपडेशन मेंबर पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर फिर से एक नया पेज आता है। तो इसको मैं यहाँ पर मैं इसको डेस्कटॉप साइट से मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर से जैसे आप डेस्कटॉप साइट को ओपन कर दो तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने का प्रोसेस आएगा। तो यहाँ पर अपना लॉगिन तो नहीं हो पाएंगे यदि आपका यूएन नंबर नहीं मालूम है। तो आपको क्या करना दोस्तों, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन में जैसे कि यहाँ पर आपको जो स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों एक्टिवेशन यूएन, कनो योर यूएन, यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। दोस्तों हमें यूएन नंबर को फॉरवर्ड करना है, मालूम करना है, तो यहाँ पर कनो योर यूएन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कुछ अपना पर्सनल डिटेल्स जैसे कि अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर अपना यूएन नंबर को पता कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कोनो यूएन नंबर पर अपना जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना। तो यहाँ पर चलिए मैं अपने जो मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का जो रजिस्टर है यानी कि अकाउंट से मेरे पीएफ अकाउंट से, तो उसको यहाँ पर आपको फिल करके यहाँ पर आपको सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। तो जो हमारा रिक्वेस्ट OTP यहाँ पर मेरा जो मोबाइल नंबर पर यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर मैं अपने OTP को भी यहाँ पर मैं वैलिडेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जो कैप्चर इसको फिल करके मैं अपने OTP को भी वैलिडेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो भी आपका अपने पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पर अपना OTP एंड दोस्तों कैप्चर को फिल करके OTP डिटेल्स पर आपको OTP वेरीफिकेशन कर लेना है। OTP वेरीफिकेशन करने का दोस्तों यहाँ पर मेरा जो OTP है फिर से गलत है, तो मैं एक बार फिर से इसको OTP को यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ दोबारा सा। OTP फिल करने का दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप जैसे आपका जो OTP यहाँ पर सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको जो कैप्चा यानी कि कुछ अपना जो पर्सनल डिटेल्स आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो भी आधार देना चाहते हैं या फिर पेन या फिर मेंबरशिप आईडी जो होती है वो देकर यहाँ पर अपना जो ईमेल नंबर वो शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने आधार से शो कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं सभी डिटेल्स आपको फिल करते हैं, आधार नंबर जो भी है, यहाँ पर आपको पेन है या फिर मेंबर है तो वो यहाँ पर डाल लीजिए। कैप्चा को फिल करने के बाद शो माई यूएन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर चलिए मैं सब कुछ फिल करके यहाँ पर शो माई यूएन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं योर कनो योर ईमेल, यहाँ पर देखते हैं यूएन जो नंबर है यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट या फिर दोस्तों आपको इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आप देखते हैं आपको जो यूएन नंबर है यहाँ से आपको मालूम पड़ जाता है। तो आपको यहाँ पर अपने यूएन नंबर को यहाँ पर आपको देख लेना है, जो यूएन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अपने यूएन नंबर को दोस्तों आप पता कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये एक छोटी जानकारी देना किस प्रकार से अपने यूएन नंबर को कैसे आप पता कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, यदि आपको अपना पासवर्ड नहीं मालूम है यूएन नंबर का, तो मैंने वो भी वीडियो बनाया किस प्रकार से अपने यूएन नंबर को जो पासवर्ड को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो, कैसे अपने यूएन को एक्टिवेट कर सकते हो। प्रॉपर मैंने वीडियो बना रखा जो कि आपको आई बटन में या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। या फिर आप हमारे पीएफ की प्लेलिस्ट में भी आप विजिट कर सकते हो, वहाँ से आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अपना यूएन नंबर को फॉरवर्ड कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों आपको इस वीडियो में बस यही छोटी जानकारी देने वाला था। बल्कि यहाँ पर मैंने आपको सभी प्रोसेस बता दी किस प्रकार से अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कैसे आप पता कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको इससे समझी कोई काफी दिक्कत या फिर कोई अन्य क्वेरी हो दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको अगली वाली वीडियो में या फिर तो आपको नीचे कमेंट में रिप्लाई देकर आपको समझाने का मैं जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल तो आपको इस वीडियो में बस एक छोटी जानकारी दे रहा हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत नहीं किया, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों इससे संबंधी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मतलब नेक्स्ट मतलब ले जाएंगे वर्तमान मातरम।